हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप होंगे बोट नेक में ब्यूटीफुल सा डिजाइन। देखिए, हमने ब्लाउज और लाइनिंग कट कर लिया है। ये हम थ्री पीस बना रहे हैं क्योंकि हमारा साटन भी है इसमें और हमारा लाइनिंग भी रहेगा इसमें। और ये हमारा ब्लाउज है। ब्लाउज पे देखिए, नीचे हमारा बॉर्डर आ रहा है इस तरह से। तो ये मैंने ब्लाउज कट कर लिया है 32 साइज में और ये हमने लेस ली है। तो देखिए, हमें करना क्या है, पहले हम लाइनिंग पे नेक ड्रॉ करेंगे। तो हमने जो शोल्डर आर्म को लिया वो हमने 6 इंच लिए। तो ये शोल्डर से 3 इंच लेंगे हम। इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 4 इंच लेंगे। देखिए, हमने यहां पे निशान लगा दिया है यहां से 10.5 इंच, यहां से 1.5 इंच पे। देखिए, इस तरह से यहां पे भी निशान लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से नीचे हमारा साटन रहेगा पहले, इसके ऊपर हमारा ब्लाउज आएगा सीधा। और इसके ऊपर हमारा आएगा लाइनिंग। और लाइनिंग को हम बीच वाला पूरा पिन से सेट कर लेंगे क्योंकि हमें बीच में पहले फिनिशिंग देंगे। पहले हम ये जो पिन लगा दी, यहाँ पे सिलाई करेंगे हम। सिलाई करती है, बीच वाला कट करेंगे। देखिए, हमने सिलाई कर दी है। अब जो हमारा लाइनिंग है सिर्फ जो कॉटन वाला, इसको ही हम अंदर करेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से अब इसको ऊपर हम सिलाई करेंगे। और देखिए, हमारा नीचे साटन है, फिर लाइनिंग आ गई हमारे इस तरह से। देखिए, इस तरह से अब नीचे फिनिशिंग देंगे। तो देखिए, फिनिशिंग किस तरह से देंगे, लाइन हम साटन और ब्लाउज को हम एक साथ रखेंगे इस तरह से। और नीचे हम लाइनिंग को फोल्ड करेंगे और फिर हम सिलाई करेंगे एक साथ। देखिए, हम नीचे फिनिशिंग दे दिए। अब जो हमारा ओपन नेक है इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से अब इसके लिए हम नेक पट्टी कट करेंगे, लिए फिनिशिंग देंगे। अब इस पे हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे नेक पे हम लेस लगा देते हैं और नेक पे। देखिए, हमने लेस लगा दी बीच में भी और ऊपर नेक पे भी।
तो देख सकते हैं अब हम इसके एक फ्लोर तैयार करेंगे जहाँ पे लगाएंगे हम। ये बॉर्डर ले लिया है जो हमारा साड़ी का बचा हुआ था ये कपड़ा। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो हमारी 3.5 इंच है और ये हमारा प्लेन है। और देखिए ये हमने साटन ले लिया इस तरह से। तो देखिए नीचे साटन सिंगल रखा है इस तरह से, वो हमने कट कर लिया था। इसके ऊपर हम ये बॉर्डर है वो सीधा रखेंगे, इसके ऊपर इसे रखेंगे हम। और देखिए हम चारों तरफ सिलाई करेंगे। देखिए हमने सिलाई कर ली है और इसमें कट देंगे हम। ये हमारे इस तरह से आएगा। और देखिए हमने ये प्लेन कपड़ा लिया है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। और देखिए इसकी चौड़ाई है वो हमारी 3 इंच है सिंगल में। देखिए इस तरह से ये हमारे इस तरह से रहेगा। यहाँ पे सिलाई करेंगे, एक साइड हम ओपन रखेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे और यहाँ पे हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दिए। अब इसमें भी हम इस तरह से सुई की मदद से इसे देख सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से अब इसमें हमें करना क्या है, इस समय इस तरह से और यहां पर भी सुई की मदद से इसे लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से अब हमें करना क्या है, ब्लाउज में हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पार्ट में इसे अटैच कर देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे अटैच कर दिया तो हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है, कितना सिंपल हमने डिजाइन बनाया और फिर भी हमारा कितना प्यारा लुक आया है इसका। तो आप देख सकते हैं, तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें इस डिजाइन को, बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।